अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, और एक बहुत ही शानदार रेसिपी आज की ज़फ़र डायरी में बनने जा रही है, जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे बन रही है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो चलें, आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपने लास्ट तक वॉच करनी है। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। दो खूबसूरत से मैंगो लेंगे और इसकी कटिंग करके इसकी प्यूरी रेडी कर लेंगे, साथ में कुछ चॉप करके इसको मैंगो को अलग कर लेंगे। ब्लेंडर का जग लेंगे, इसमें व्हिपिंग क्रीम या होममेड क्रीम इसके अंदर डालेंगे और इसको 5 मिनट तक खूब अच्छी तरीके से हमने बीट करना है। जब तक हमारी क्रीम बहुत अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हम इसको बीट करते रहेंगे। एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है कि क्रीम को हमने ठंडा रहना है और अच्छे से चिल कर लेना है। तो ये देखिए ज़रा, इसमें झाग बनना स्टार्ट हो गए, तो हमारी क्रीम रेडी है। तो फिर प्यूरी रहते हैं, प्यूरी को ऐड करते हैं हम अपनी क्रीम के अंदर। तकरीबन यहाँ मैं 2 प्याली के करीब जो है प्यूरी को ऐड करूँगी। दो प्याली के करीब पाउडर शुगर भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे खूब अच्छे से ग्लैंड करेंगे, तकरीबन जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए जनाब, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। तो ये रेडी है, तो चलें इसको हम सांचे में निकालते हैं। थोड़े से बादाम पिस्ते लेंगे, अलग से हमने मैंगो कटिंग करके रखा था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। जो हमने आइसक्रीम रेडी की है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको खूब अच्छे से पैक कर देंगे कि कहीं से भी इसके अंदर हवा ना जा सके। इसको एयर टाइट कर देंगे। एक अच्छे से प्लास्टिक का बॉल लेंगे, इसमें बादाम पिस्ते ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। फिर हम अपनी आइसक्रीम को ऐड करेंगे, साथ में हमने छोटे छोटे क्यूब्स बना के रखे थे मैंगो के, वो भी इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से जो है हम सेट कर लेंगे किसी भी स्पून की मदद से कि इसमें बबल्स ना बने। इसमें बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। 4 to 5 आवर्स के लिए हम इसको फ्रीज कर देंगे, और फ्रीज़ हमने इस तरह करना है कि बार बार फ्रीज़र का दरवाज़ा ना ओपन हो, और इसको खूब अच्छे से हमने जमने देना है। तो 4 to 5 आवर्स बाद हम अपनी आइसक्रीम को देखते हैं। तो देखिए जनाब, कैसी ज़बरदस्त सी शानदार सी हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है, सॉफ्ट सी, जूसी सी, क्रीमी सी, बहुत शानदार रेसिपी बनी है। इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।